मैं उम्र में उससे काफी बड़ी थी, पर वो मुझे फिर भी कहता था कि तुमसे इश्क है तो है। मैंने उससे कहा भी था कि तुम्हारी फैमिली नहीं मानेगी, तो फिर उसने जवाब दिया कि मेरी फैमिली वो करती है जो मैं चाहता हूँ, तुम बस अपनी अम्मी को मनाने की कोशिश करो। और इस बात में कोई शक नहीं है कि मैं उसे बेहद मोहब्बत करती थी, उसकी हर अच्छी बुरी बात मानती थी। फिर मैंने जैसे तैसे करके अपनी अम्मी को मना ही लिया और मैं बहुत खुश थी कि सब ठीक जा रहा है। और फिर मुझे पता चला कि उसे किसी और से मोहब्बत हो गई है जो कि उसकी हम उम्र है, और उसने उससे मंगनी भी कर ली। उसने मेरे सारे ख्वाब तोड़ दिए, मैं भी मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े, तरले किए, उसकी मिन्नतें की कि तुम ये मंगनी तोड़ दो, पर उसने एक ना सुनी और उसने मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसके जाने के बाद मैं ज़हनी अज़ियत का शिकार हो गई, नींद की गोलियां खाकर सोने लगी। वक्त गुजरने के साथ साथ मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल करने लगी, तो वहां मेरी बात एक अनजान शख्स से हुई जो लोगों को दर्द सुनाता और समझता था। उससे मैंने अपना ये दुख शेयर किया, बस उसने मुझे एक बात बोली कि कुराने पाक पढ़ा करो तर्जमे के साथ। मैंने कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी सोच बदलने लगी, मुझे इश्क हकीकी होने लगा, मुझे खुदा से मोहब्बत हो गई, मेरी जिंदगी में सुकून ही सुकून होने लगा। मेरी शादी हो गई और अल्लाह पाक के फजलो करम से मेरी एक बेटी भी है, और मैंने अपनी पसंद की शादी की है, पर इस दफा खुदा के बताए हुए रास्ते पर चली हूं।